नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज संसद भवन में अपना पहला भाषण दिया, वह भाषण भी दिखाएंगे आपको। उससे पहले आपको बता दें, आज कोटा बूंदी के सांसद ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष नव निर्वाचित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिड़ला की तारीफ की। लोकसभा अध्यक्ष की सीट तक प्रधानमंत्री मोदी खुद छोड़ने आए ओम बिड़ला को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा ओम बिड़ला के बारे में, ये भी आप सुन लीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और पूरी ILP पार्टी की तरफ से और पूरी राजस्थान की जनता की तरफ से, पूरे देश के नौजवानों की तरफ से आपको बारंबार बधाई देता हूं। आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर दो बार मेरे साथ विधायक के रूप में विराजमान हुए और एक बार आपने जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय जब किसानों जवानों पर अत्याचार हुए तो आपने सड़कों से लेकर विधानसभा तक मजबूत लड़ाई लड़ी और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में बताया कि आप इस प्रकार से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ओम बिड़ला को बधाई दी और आज हनुमान बेनीवाल ने लगभग 2.5-3 मिनट का संसद भवन के अंदर भाषण भी दिया। ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष बनाने पर हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। राजस्थान समेत पूरे देश विदेश की खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।